त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रतिनिधि ने अपना कमर कस ली है। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड के माधोपुर बसतवाड़ा पंचायत में 29 नवंबर को मतदान डाला जाएगा। इसी संदर्भ में बसतवाड़ा माधोपुर के वर्तमान मुखिया एवं मुखिया उम्मीदवार पति अमजद अब्बास ने लोगों से की वोट करने की अपील। वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए उनके समर्थकों एवं उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये जो है चुनावी मौसम है, 29 तारीख को हम लोगों का चुनाव है मुखिया पद का। अमजद अब्बास मेरा नाम हुआ और सवाना अमजद कैंडिडेट यहाँ से पत्नी मेरी पहले भी मुखिया रह चुकी है और 2006 में भी हम मुखिया ऑलरेडी थे। यहाँ जनसंपर्क जो हम लोग कर रहे हैं अपने पत्नी मुखिया सवाना अमजद के लिए और लोगों का भरपूर समर्थक है। लोग मतलब दिन हर रोज जो है लोग एक सैलाब की तरह जो है लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आप अपने पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बेहतर काम किए हैं जो आपके यहाँ की आवाम यहाँ की जनता भी बतलाएगी और जहाँ तक हो सका है संभव मतलब बहुत सारा काम हमने यहाँ किया है। रोड नाला का कड़ी कड़ी समस्या दूर किया और एक दो मामला ऐसा बढ़ गया जहाँ जल जमाव का, उसको पुनः हम जीतने के बाद जो उसको पूरा करेंगे। दो तीन नाला का समस्या मेरे यहाँ रह गया है जो एक सैफुर रहमान साहब के घर होते हुआ, समीम अंसारी के घर होते हुआ, बवरना पोखर तक जो है ये नाला एक कपिल होटल से लेकर के जो है ITI कॉलेज तक नाला है। और दूसरा जो है 13 वार्ड में जो है पोखर होते हुआ, मझर गंसारी के घर होते हुआ 12 और 13 वार्ड में जो जल जमाव का समस्या है उसको पूरा करेंगे। और दूसरा है खान मोहल्ले में जो है नाजिम खान के घर गली में जो है रोड का समस्या है उसको पूरा करेंगे। कलेक्टर साहब के यहाँ पर रोड का समस्या है, बस यही समस्या मेरे रह चुका है। करीब करीब जो है मामला मतलब निपटा चुके हैं हम लोग रोड नाला करके। माधोपुर गांव में विकास का कौन सा कार्य है जिसको आप करना चाहेंगे? आप 13 वार्ड में जल जमाव का समस्या है, 12 और 13 वार्ड में पुनः जीतने के साथ जो है कंप्लीट करेंगे उसको। क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से आप अपने वोटरों को? बस लोगों का से अपील है कि फूल छाप पे निशान मोहर लगा करके जो है EVM का बटन टिप कर करके आप लोग जो भारी बातों से विजय बनावे। हमें जहाँ तक हो गया लोगों का मतलब साथ दिया और हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा, चाहे जब जिस वक्त 12 ऑनलाइन मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, जब जहाँ फ़ोन करते हैं तुरंत दौड़ते हैं, हाजिर रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और सुलझाते भी हैं। कंटिन्यू लोगों के लिए हम खड़ा रहा है, ये मतलब हम नहीं यहाँ के किसी भी आवाम से जनता से पूछिएगा तो वो बतलाएंगे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जहाँ तक हो सका लोगों के लिए मदद किया है और कंटिन्यू लोगों के लिए खड़ा रहा है। ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, दवा का व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो हमने लोगों के लिए किया है। एक मतलब ये इससे पहले भी मेरा सोशल मीडिया या पेपर का कटिंग देखिएगा और भी ब्लॉग में भी इसका जो है सारा जो है प्रमाण है। वीडियो साहब का भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग था, वीडियो रिकॉर्डिंग था, उनको वो भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मतलब जो है कोरोना काल में जाग के रहा है। जनता दरबार हम सुबह में हर रोज़ जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कंटिन्यू जनता दरबार। क्या उद्देश्य है इस तरह का जनता दरबार चलाने का? मतलब जो भी समस्या छोटा से छोटा समस्या लोगों का मतलब उसको सुना और तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। जो ब्लॉक का समस्या उसको निपटाया, मतलब जो जिसका मामला जिला का है उसको निपटाया। मतलब बैठ के मतलब हर रोज सुबह 12 बजे से मतलब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लोगों का समस्या सुना और उसको निपटाया, या जैसे भी हो उसको निपटाने का पूरा कोशिश करता है अपने समाज के बल पे, समाज के लोगों के सहयोग से। जी क्या कर रही है अभी आप लोग, किसके लिए यहाँ पे वोट मांग रही है? समाना अमजद के लिए मांग रही है। किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है पिछला? अच्छा रहा है, रोड में या नाला में सब में अच्छा काम किया है, हम लोग पूरा संतुष्ट है। कितने नंबर वार्ड है? 10 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? शबनम तहसील।